हाय गाइस, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और ये हम लोग देख रहे हैं जे क्यूरी का ट्यूटोरियल। ठीक है, और जे क्यूरी के ट्यूटोरियल में ये फिफ्थ चैप्टर है। जे क्यूरी ट्यूटोरियल में आई थिंक फिफ्थ या सिक्स चैप्टर है, सॉरी सिक्स चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, अगर लास्ट का हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा था इवेंट, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड एंड शो मेथड को। जे क्यूरी के अंदर हाइड एंड शो मेथड होता है, उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि आप हाइड के बारे में जान चुके हैं कि कई बार हम लोगों ने हाइड को यूज किया है। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि आप लोगों को हाइड के बारे में काफ़ी अच्छा पता होगा कि हाइड कैसे यूज करना है और क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं जे क्यूरी के फोल्डर के अंदर, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं हाइट स्लैश शो डॉट HTML। ठीक है, और इसको सेव कर लिए। फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल HTML का जो ब्लॉक है इसको ओपन कर लेते हैं, और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं हाइड एंड शो मेथड। ओके, अब जो नेक्स्ट काम ये है कि हम लोग यहाँ पे CDN को लिंक कर लें। तो CDN को हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, इवेंट से उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिख के काम करते थे, तो इसको अलग से भी हम लोग बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नेम सपोज लिए माई जे क्यूरी डॉट js। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, जिसमें हम लोग अपना कोडिंग करेंगे, और इसको सेव कर लेते हैं इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम लोग को करना है यहाँ पे लिंक, तो जावास्क्रिप्ट को लिंक जब हम लोग करते थे तो उसको भी स्क्रिप्ट के अंदर जो उसका SRC होता है उसको दे देते थे, तो यहाँ भी SRC दे देंगे, मतलब कि जो इसका सोर्स है वो। तो उसका नेम क्या है, जो अभी हम लोगों ने फाइल क्रिएट किया उसका नेम है माई जे क्यूरी डॉट js। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम लोग अपना कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को हाइड एंड शो मेथड बनाना है। तो यहाँ पे एक फटाफट बना लेते हैं एक पैराग्राफ, इसमें लिख लेते हैं कुछ टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन, बल्कि दो बटन क्रिएट करते हैं, दो बटन। ठीक है, और इसमें एक का नाम दे देते हैं हाइट। ठीक है, और फिर एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन, और इसका नेम दे देते हैं शो। ओके, और यहाँ पे क्लास हम लोग दे देते हैं इसको कुछ, क्लास सपोज दे दिया हाइड हाइड, और इसको भी एक क्लास दे देते हैं शो नेम से। शो हो गया, सेव कर लिए, और यहाँ पे हम लोग अपना जे क्यूरी को लिंक कर लिए। अब जे क्यूरी में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन चलाओ, और ये फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग चाहते हैं वो कोडिंग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके आपको दिखा दें, यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको, बल्कि यहाँ से हम लोग दोनों फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑल कर लेते हैं, कॉपी फाइल पाथ करते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का हाइड एंड शो का जो कोडिंग था वो। बैक करते हैं, और यहाँ पे व्यू अगर सोर्स पेज करते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का CDN है जो कि जी क्यूरी का है, और ये स्क्रिप्ट है जो कि हम लोग ये स्क्रिप्ट अभी बना रहे हैं, ये मतलब कि लिंक हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे काम यह है कि जब हम लोग हाइड करें
तो ये जो पैराग्राफ आ रहा है, मतलब कि अगर हम हाइट पे क्लिक करें तो ये पैराग्राफ जो आ रहा है ये हाइड हो जाए, और जब शो पे क्लिक करें तो ये शो हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और इसके बाद एक सिलेक्टर यूज करते हैं हाइड वाला, और वो है क्लास में, तो डॉट हाइड, डॉट हाइड क्लिक। अगर इस पर क्लिक हुआ है तो एक फंक्शन चलाओ। ओके, और इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, तो डॉलर पी, और इसको करना है डॉट हाइड। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा, ये आपको पता है। हाइड पे क्लिक किए देख सकते हैं कि हाइड हो गया। अब हम लोग जब शो पे क्लिक करें तो फिर पुराना वाला एलिमेंट यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग अगर इसके नीचे एक और फंक्शन चलाते हैं डॉलर, अब कौन सा वाला फंक्शन चलाना है, मतलब कौन सा वाला सिलेक्टर लेना हम लोग को, तो सिलेक्टर लेना हम लोग को शो वाला, कि जब शो बटन पे क्लिक हो तब यहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे डॉट शो एम एस कैपिटल रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास का जो नेम दिया है वो कैपिटल, सॉरी स्मॉल ही है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ही देंगे, हाइड वाला का कैपिटल था। ठीक है, तो शो, और इस पर अगर क्लिक हुआ है तो फंक्शन चलाओ। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर फंक्शन, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग इसको शो करा लेंगे। तो शो कराने के लिए सबसे पहले कंटेंट जो कि हम लोग का एलिमेंट है पी, उसको सिलेक्टर में ले लिए, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे सिंपली शो मेथड, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे, सेव कर लेते हैं पेज को। सेव करने वाले प्रेस करते हैं, हाइड करते हैं, शो करते हैं, हाइड शो। एक चीज़ और है कि इसमें हम लोग इसका एक पैरामीटर भी दे सकते हैं, तो पैरामीटर देखिए कैसे देना है। अगर मान लीजिए इसका पैरामीटर के क्या मतलब है, कुछ स्पीड हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे सपोज स्पीड दे दिया 1000। ओके, सेव करते हैं इसको, अब पेज को करते हैं रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड इसका स्लो हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो में ये जा रहा है, हाइड हो रहा है। वैसे ही अगर हम लोग शो के लिए भी कर दें, यहाँ पे सेम स्पीड यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, सेम स्पीड, अब शो पे क्लिक करते, हाइट पे क्लिक करते हैं, अब शो पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं ये थोड़ा स्लो मोशन में हाइट भी हो रहा है और स्लो भी हो रहा है। एक चीज़ और अगर आपको बता दें कि अगर आप इतना से बचना चाहते हैं, हाइट एंड शो कराना है आपको, तो आप इतना यूज ना करके बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक ही बटन, जैसे कि एक बटन इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, हाइट पे क्लिक करें, हाइट एंड शो के लिए सपोज कि यहीं पे स्लैश दे के हम दे दिए शो। ओके, और इसके बाद इसको कर दिया हम यहाँ से रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ठीक है, पेज को कर लेते हम एक बार सेव। तो ये हो गया हाइड एंड शो का मैटर। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, यही जो फंक्शन है ना, ये हाइड वाला जो क्लास हम लोग दिए, इसी को अगर कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं शो, तो पहली बार चलेगा हाइड करेगा, दूसरी बार इसी को शो कर देगा। हाइड किया शो किया, हाइड किया शो किया, हाइड किया शो किया। ठीक है, तो देख सकते हो ऑटोमेटिक ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, बिना क्लिक हुए भी चलते जा रहा है। एक बार क्लिक कर रहे हैं तो हाइड भी कर रहा है और शो भी हो जा रहा है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर दें अगर, और सिंपली अगर टॉगल हम लोग यूज कर लें, तो ये ऑटोमेटिक काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉलर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे डॉलर, और जो क्लास का नेम है, ये क्लास का नेम हाइड है, तो इसको हम लोग ऐसे सिलेक्टर यहाँ पे यूज कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जब इस पर क्लिक हुआ है तो एक फंक्शन चलाओ, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग अपना मेथड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे कौन सा वो HTML का एलिमेंट है, तो एलिमेंट है पी वाला पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं टॉगल।
इससे क्या होगा कि हाइड एंड शो दोनों मेथड ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, पर आपको दिखाएं यहाँ पे, सेव कर लीजिए इसको। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब हाइड एंड शो पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं बस एक टॉगल हम लोग यूज किए, ये दोनों का वर्क कर रहा है, हाइड एंड शो का भी। यहाँ पे हम लोग पैरामीटर भी दे सकते हैं, तो पैरामीटर पर हम लोग यहाँ पे स्पीड में दे सकते हैं, तो 1000 सपोज की दे दिए। ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो जैसे कि हम लोग हाइट एंड शो में उतना सारा लिखे थे, हाइट के लिए अलग मेथड और शो के लिए अलग मेथड, वो सारा काम इससे हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा कि हाइट एंड शो का काम कैसे हो रहा है, और हम लोग इसमें टॉगल भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा है कि इतना बड़ा ना कोड लिखना पड़े बार बार हाइड एंड शो का। अगर हाइड एंड शो दोनों कराना है तो हम लोग जाके डायरेक्टली टॉगल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को केवल शो कराना है या फिर केवल हाइड कराना है तो बेसिकली एक ही मेथड हम लोग यूज करेंगे। अगर पैरामीटर देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉगल में हम लोग देंगे उसमें पैरामीटर भी हम लोग पास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।